सो गाइज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हो रहा है लड्डू गोपाल का अभिषेक। एंड यहाँ पे जो मम्मी हैं वो कथा करा रही थी, क्योंकि पापा जब बीमार हुए थे तो उन्होंने ऐसा बोला था कि वो कथा कराएंगी। तो उन्होंने वृंदावन, वो कह रही थी कि वृंदावन से अच्छी जगह कुछ हो नहीं सकती है कथा कराने के लिए, वो भी लड्डू गोपाल की। एंड जैसे कि आपको पता है, जैसे कि सत्यनारायण की कथा होती है तो वही लड्डू गोपाल ही सत्यनारायण भगवान है, तो वहीं हम लोग यहाँ पर हवन वगैरह सब कथा वगैरह पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हवन करते हैं। मैंने पहली बार यहाँ पे देखा है गुड़ से हवन करते हैं ये। एंड ये बहुत ही अच्छा यूनिक सा चीज़ देखी थी मैंने। हमारे यहाँ जो हवन सामग्री होती है उससे हवन होता है, पर यहाँ पे गुड़ या फिर वो मतलब बताशे से भी हवन कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे देख के। तो यहीं पे हम लोगों ने कथा कही थी, पापा के ऊपर बोली थी जो, एंड इसके आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। एंड गाइस, आप लोगों को जैसे पता है कि मैं वृंदावन में हूँ, एंड यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर जो है वो भागवत चल रही है, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मेरे मामा का बेटा है, उसका नाम है राघव, एंड वो आज बनने वाला है ब्राह्मण देवता, तो उसकी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड गाइज, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, एंड मतलब पहली बार वो इतने सुंदर से छोटा सा बनेगा ब्राह्मण देवता, एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो भागवत है वो हो रही है, एंड इसी भागवत में जो मेरा भाई है वो बनेगा ब्राह्मण देवता। एंड यहाँ पे सब लोग अभी देख उसको रेडी कर रहे थे, एंड रेडी करने के बाद जो है वो आएगा बाहर, तो काफ़ी क्यूट लग रहा था। मैं एक क्लिप छोटी सी ऐड कर दूँगी किस तरह से वो रेडी हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम वो कुछ स्टेज पर बना था, काफ़ी नर्वस था, पर उसने अच्छे से जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। बस उसे तुरंत बताया गया था, उसने तुरंत ही जो है वो अच्छे से उसने किया था भी उसे करना था। एंड इस तरह से उसने ड्रेसअप किया था पूरा, इस तरह से उसका मेकअप हुआ था, काफ़ी क्यूट लग रहा था छोटा सा ब्राह्मण देवता। एंड आगे की वीडियो में थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी कि कैसा कैसा प्रोग्राम हुआ था। एंड ये जो वीडियो है वो छोटी सी होने वाली है, एंड ऐसे ही कंटिन्यू मैं मथुरा की ब्लॉग सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, तो वीडियोज़ को देखना ना भूलें। एंड ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है, तो इस वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी भगत मुख्य जिद्वान और गुप्ता जी जो जिद्वान आज के हैं, वो आकर के ब्राह्मण भगवान की पूजा करें, फिर नंबर बारी बारी से पूजा करें। बहुत अच्छी तरीके।